तो बच्चों नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है दैट इज पैरेललोग्राम। अब देखिए पैरेललोग्राम क्या होता है, पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होगा यानी कि इसमें टोटल फोर साइड्स होंगे। तो पैरेललोग्राम इज अ क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, ये एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होगा बच्चों जिसमें ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, ये देखिए ये इसमें ऑपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल होंगी। ये क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पर बनाया हुआ है, लेट अस से इसका नाम है ए बी, दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स कहाँ क्या होता है, जहाँ पे टू साइड्स आके मीट करती है। ठीक, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, ये हो गया वर्टेक्स सी, और ये हो गया क्या, वर्टेक्स डी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो गया पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम का जो सिंबल होता है वो मैं आपको बता दूँ, शॉर्ट में हम कैसे लिखते हैं, टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से और जी एम लिख देंगे। जी एम क्या करेंगे, टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और ऐसे जी एम लिख देंगे। ये शॉर्ट फॉर्म है पैरेललोग्राम लिखने का, करेक्ट। ये आप नाइन्थ क्लास में पढ़ोगे, बट अभी से आप सीख लो, पैरेललोग्राम को इस तरीके से लिखते हैं, पैरेलल लाइन ड्रॉ करके और जी एम लिखते हैं आगे। ठीक है, तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब जब भी मैं पैरेललोग्राम को लिखूंगा तो ऐसे करके लिखूंगा, ठीक है, आप समझ जाना। नाउ अब देखो बच्चों, ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसमें खासियत है क्या, कि ये जो ए बी है और जो सी डी है, जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ए बी एंड सी डी पैरेलल है, चेक कर लो, साइड्स ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये पैरेलल का सिंबल है, ए बी पैरेलल टू सी डी। पैरेलल का मतलब अगर हम ए बी को इस तरीके से बच्चों एक्सटेंड करें, है ना, चाहे लेफ्ट डायरेक्शन में और चाहे राइट डायरेक्शन में इस तरीके से, और सी डी को भी अगर हम एक्सटेंड करें और इन्फिनिटी तक यानी कि बहुत दूर तक इस तरीके से एक्सटेंड करें, तो ए बी और सी डी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये होता है पैरेलल का मतलब। इसी तरीके से आपकी जो ए बी और सी डी यहाँ पर पैरेलल है, ठीक है बच्चों, उसी तरीके से ए डी और बी सी भी आपके पैरेलल होंगे। ये देखिए, ये देखिए, अगर हम ए डी को इस तरीके से एक्सटेंड करें, ठीक है स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से, और अगर हम BC को एक्सटेंड करें, ये देखिए इस तरीके से, करेक्ट। तो अगर हम AD को और BC को एक्सटेंड करें तो ये कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, चेक कर लीजिए, ये भी आपस में इस तरीके से पैरेलल है। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें जितने भी ऑपोजिट पेयर आपको दिखाई पड़ते हैं, टू ऑपोजिट पेयर होते हैं, ए बी सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल, और इसी तरीके से AD BC के पैरेलल, ठीक। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाता है, पैरेललोग्राम कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा ट्रेपेजियम में क्या होता था, याद है, ट्रेपेजियम में ओनली वन पेयर पैरेलल होता था, लाइक दिस, याद होगा आपको, ठीक है, ए बी सी डी। इसमें आप देखोगे तो ओनली ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए डी बी सी के पैरेलल नहीं, क्योंकि ए डी को आगे एक्सटेंड करोगे, बी सी को आगे एक्सटेंड करोगे तो ये इंटरसेक्ट कर देंगे, करेक्ट। तो इस तरीके से अगर ओनली वन पेयर पैरेलल होता है तो ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम है आपका ट्रेपेजियम, अगर दोनों ही पेयर पैरेलल होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया, तो पैरेललोग्राम आपको पता चल गया। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम के एलिमेंट्स, ठीक। फर्स्ट पॉइंट, ऑपोजिट साइड, ठीक है, एलिमेंट्स मीन साइड के बारे में बात करेंगे, एंगल्स के बारे में बात करेंगे। ओके नाउ यहां पे देखिए बच्चों, ऑपोजिट साइड कौन कौन सी, ए बी सी डी और ए डी और बी सी, ये ऑपोजिट साइड है जो आमने सामने होंगी, ए बी इज ऑपोजिट टू सी डी, ठीक, एंड ए डी इज ऑपोजिट टू बी सी। और मैंने अभी अभी आपको बताया क्या, कि जो ऑपोजिट साइड्स होंगी वो पैरेलल होंगी, करेक्ट, यानी कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ये बात मैंने आपको बताई। उसके बाद बच्चों ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है ना, हालांकि अभी इन सारी प्रॉपर्टीज को मैं फिर से आपको बताऊंगा, बट यहां पर पहले आप पहचान लो कि ऑपोजिट एंगल हम किसको बोलते हैं, करेक्ट। तो बच्चों ध्यान से चेक करिए ऑपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे, ये देखिए, ये एंगल ए, ये रहा एंगल ए, एंगल ए के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल सी, ठीक, यानी कि एंगल ए और एंगल सी ऑपोजिट एंगल है। तो कौन कौन से ऑपोजिट एंगल है, एंगल ए एंड एंगल सी, ये ऑपोजिट एंगल है। और कौन कौन से ऑपोजिट एंगल है, चेक करिए, एंगल बी और एंगल डी, चेक कर लो, ये आमने सामने ना, तो एंगल बी और एंगल डी, ये ऑपोजिट एंगल है। तो एंगल बी एंड एंगल डी ऑपोजिट एंगल, बच्चों समझ में आया। इसी तरीके से मान लीजिए हम आपको एक पैरेललोग्राम इस तरीके से दे दें, ये देखिए, लेट अस से ये वाला पैरेललोग्राम है, इसका नाम है पी क्यू आर एस, क्या नाम है इसका, पी क्यू आर एस, ओके पी क्यू आर एस। चलो बताओ इसमें ऑपोजिट साइड कौन कौन सी है, पी क्यू और एस आर, ठीक है, पी क्यू और एस आर, और दोनों पैरेलल होंगी। इसी तरीके से पी एस इज पैरेलल टू क्यू आर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पी एस और क्यू आर, ये पैरेलल होंगी, ठीक। और ऑपोजिट एंगल इसमें कौन कौन से, ध्यान से चेक करिए, एंगल पी एंगल आर, ये ऑपोजिट है, यानी कि एंगल P एंड एंगल R, ये ऑपोजिट एंगल का एग्जांपल है। इसी तरीके से एंगल Q और एंगल S, ये ऑपोजिट एंगल का एग्जांपल है। वो ऑपोजिट एंगल इक्वल भी होते हैं, बहुत सारे बच्चों को पता होगा, भी हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे। तो एंगल Q एंड एंगल S, ये ऑपोजिट एंगल के एग्जांपल हैं, ठीक।
चलिए नेक्स्ट है बच्चों एडजेसेंट साइड क्या होते हैं। अब देखिए एडजेसेंट साइड को समझने के लिए आपको देखिए एडजेसेंट साइड को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप। फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है मैं आपको बताता हूं। एडजेसेंट साइड का बच्चों वन कॉमन वर्टेक्स होगा। क्या मैंने बोला? एडजेसेंट साइड का वन कॉमन वर्टेक्स होगा। अब इस बात का क्या मतलब है? कहीं पर अगर आप चाहो तो आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हो बच्चों। क्या मैंने बोला? जो एडजेसेंट साइड होंगी ना इनका एक कॉमन वर्टेक्स होगा, वन कॉमन वर्टेक्स होगा। ये क्या बात बता दी? ध्यान से चेक करिए बच्चों। देखिए वर्टेक्स क्या होता है? जहां पे टू साइड्स आके मीट करती हैं। तो ये देखो बच्चों ये वाला वर्टेक्स ए, ए पे कौन कौन सी साइड मीट कर रही है? ए बी और ए डी। तो ए जो वर्टेक्स है ठीक है इस पे कौन कौन सी साइड मीट कर रही है? ए बी और ए डी। मतलब साइड ए बी और ए डी का कॉमन वर्टेक्स कौन है? ए। ठीक, तो कौन कौन सी साइड एडजेसेंट हो गई? ए बी ए डी के साथ हो गई, ए बी एंड ए डी। ये मैं एडजेसेंट साइड के एग्जांपल्स लिख रहा हूं। ठीक, उसी तरीके से अगर आप बी पे आ जाओगे चेक करो बच्चों वर्टेक्स बी पे कौन कौन सी साइड मीट कर रही है? ए बी और बी सी, यानी कि ए बी एंड बी सी, ये क्या हो गई? एडजेसेंट हो गई। इसी तरीके से ये देखिए ये जो पॉइंट सी, यहां पे कौन कौन सी साइड मीट कर रही है? सी डी और बी सी, यानी कि सी डी एंड बी सी, ये हो गई एडजेसेंट साइड। इसी तरीके से अगर आप आ जाओगे बच्चों वर्टेक्स डी पे तो कौन कौन सी साइड मीट कर रही है? ए डी और सी डी, है ना। तो ए डी एंड सी डी, ये हो गई आपकी एडजेसेंट साइड के एग्जाम्पल। ठीक, तो एडजेसेंट साइड आप कैसे पहचानोगे? कोई एक कॉमन वर्टेक्स मिल जाएगा आपको। ठीक, चलो अब एडजेसेंट साइड को आप एक और तरीके से पहचान सकते हो। ये देखिए एडजेसेंट साइड कह रहा है कि वन ऑफ द साइड्स, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में लिखा है, ठीक है, वन ऑफ द साइड स्टार्ट्स वेयर अदर एंड। ठीक है ना, एडजेसेंट साइड्स तब हमको मिलेंगी जब वन ऑफ द साइड स्टार्ट्स वेयर अदर एंड, मतलब जहां पे एक साइड एंड हो रही हो वहां से दूसरी स्टार्ट हो रही होगी। चेक कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। देखिए ये आप ऐसे चले तो सी डी यहां सी पे एंड हो रही है तो यहां से बी सी स्टार्ट हो रही है। ठीक, फिर आप यहां पे जब पहुंचे तो सी बी या आप बी सी बोल सकते हो, बी सी एंड हो रही है तो यहां से ए बी स्टार्ट हो रही है। ठीक, तो इस तरीके से बी सी और ए बी एडजेसेंट हो गई। जब आप यहां पे पहुंचे तो ए बी एंड कर रही है, ए डी स्टार्ट कर रही है, यानी कि ए बी और ए डी क्या हो गए? एडजेसेंट हो गए। तो आई थिंक अब आपको बच्चों समझ में आया होगा कि एडजेसेंट साइड्स क्या होते हैं। उसके बाद एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं? देखो बच्चों एडजेसेंट एंगल में आपको कुछ नहीं करना है, कोई भी एक साइड आप सेलेक्ट कर लो, कोई भी एक साइड सेलेक्ट कर लो। लेट अस से हमने सी डी सेलेक्ट कर लिया। ठीक, ये हमने सी डी इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया, करेक्ट। अब सी डी के टू एंड्स होंगे, भाई कोई भी साइड होगी उसके टू एंड्स होंगे, है ना। जैसे कि सी डी के कौन कौन से एंड्स हैं? सी और दूसरा एंड क्या है? डी। ठीक, तो किसी साइड के एंड्स पे जो एंगल बने होंगे उसको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। पढ़ लीजिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स, कह रहा है कि दे आर एट द एंड ऑफ द सेम साइड। कोई एक ही साइड लेनी है आपको, उसके एंड पे एंगल चेक करने हैं। ठीक है, तो दे आर द एंगल एट द एंड ऑफ द सेम साइड। तो चेक करो सी डी के एंड्स पे, यानी कि डी एंड पे एंगल डी है और सी एंड पे एंगल सी है। ठीक, बस तो एंगल सी और एंगल डी एडजेसेंट एंगल का एग्जांपल है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल, है ना बच्चों। एंगल एंगल सी एंड एंगल डी आर एडजेसेंट। उसके बाद बच्चों अगर आप बी सी को सिलेक्ट करोगे, ठीक है ना, ये देखिए साइड बी सी को सिलेक्ट किया तो बी सी के कौन कौन से एंड है बताइए? बी सी के एंड है बी और सी, यानी कि एंगल बी और एंगल सी एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल है। तो एंगल बी एंड एंगल सी, ठीक, एडजेसेंट एंगल के एग्जांपल है। इसके बाद आपने ए बी को सिलेक्ट किया, ठीक, तो अब ए बी के कौन कौन से एंड है चेक कर लो। ये साइड ए बी के कौन कौन से एंड है? ए का एंड है ए और बी, मतलब साइड ए बी का एक एंड ए है और दूसरा एंड क्या है? बी है। तो एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल ए एंड एंगल बी, करेक्ट। तो एंगल ए एंड एंगल बी, ये हो गए आपके क्या? एडजेसेंट एंगल। उसके बाद बच्चों ए डी, ठीक है बच्चों, साइड ए डी को आप सिलेक्ट करोगे तो ए डी के कितने एंड्स हैं? टू। कौन कौन से? ए एंड और डी एंड, चेक कर लो ना, ए डी साइड के टू एंड्स हैं ए और डी। तो एंड ए पे एंगल ए मिलेगा और एंड डी पे एंगल डी मिलेगा, यानी कि एंगल ए एंड एंगल डी, ये एडजेसेंट एंगल के बच्चों एग्जाम्पल हो गए, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये देखिए ये एडजेसेंट एंगल्स लिखे हुए हैं और ये एडजेसेंट साइड्स लिखी हुई हैं, ठीक है ना। मैं लिख देता हूँ, ये हमने क्या लिखा है? ये लिखा है हमने क्या? एडजेसेंट, कॉपी में आपको नोट लगाना है। ये एडजेसेंट एंगल्स हैं बच्चों और ये क्या है? ये है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स। जिसको नहीं क्लियर हुआ है परेशान ना होइए, क्वेश्चन करते करते सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बस आप वीडियो देखते जाइए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ओके, अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों,
इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको मिलेंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं कि एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर वन, ठीक, आपको बोल रहा है कि द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक है बच्चों, देखिए अगर आपके पास कोई पैरेललोग्राम इस तरीके से दिया हुआ है, ये कुछ इस तरीके से एक पैरेललोग्राम आपको दिया हुआ है, ए बी सी डी, तो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होंगी ना वो इक्वल होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए इसमें ऑपोजिट साइड कौन कौन सी होगी, ए बी किसके ऑपोजिट है, ऑपोजिट मतलब आमने सामने, ठीक है ना, तो ए बी ऑपोजिट है सी डी के, यानी कि बच्चों ए बी की जो लेंथ होगी है ना वो सी डी के इक्वल होगी, नंबर वन। और नंबर टू, ए डी भी तो बी सी के ऑपोजिट है, यानी कि ए डी की जो लेंथ होगी वो बी सी के इक्वल होगी, तो ये प्रॉपर्टी नंबर वन है। ठीक है, अब देखिए इसका प्रूफ तो आपसे क्लास एट में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन मैं आपको इसको प्रूफ करके दिखाता हूं, और इसको प्रूफ करने के बाद हम करेंगे बच्चों एग्जांपल नंबर थ्री विच इज गिवन ऑन पेज नंबर 48। ठीक, तो देखिए जरा ध्यान से इसको किस तरीके से प्रूफ करेंगे। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए, आप बी को डी से ज्वाइन करिए, ये बी को डी से आपने ज्वाइन कर दिया, ठीक, इसको आप डायगनल बोलोगे, पता है ना आपको, ये डायगनल बी डी है। अब कुछ नहीं करना है बच्चों, यहां पर ध्यान से चेक करिए, ये वाला जो एंगल है इसका नाम वन रखा, इसका नाम आपने एंगल टू रखा, ये एंगल थ्री है और ये वाला एंगल फोर है। अब आप देख सकते हो, देखो ए बी पैरेलल सी डी के, चेक कर लो, ये ए बी है इस तरीके से, ठीक, और ये इस तरीके से सी डी है, ठीक, ये इस तरीके से सी डी है। अगर हम बी को डी से ज्वाइन करें, ठीक, तो एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल थ्री के, आप देख सकते हो एंगल वन इक्वल होगा एंगल थ्री के, क्यों सर, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बच्चों चेक कर लो, ए बी इज पैरेलल टू सी डी है ना, ए बी सी डी के पैरेलल है और ये बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, याद है ना आप लोग को, जब टू लाइंस पैरेलल होती हैं और एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरीके से इसको इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल लाइंस को, ए बी और सी डी को, ठीक है ना, तो ये देखिए ये ट्रांसवर्सल लाइन है बी सी, तो एंगल वन किसके इक्वल होगा, एंगल थ्री के, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एंगल वन किसके इक्वल हो गया बच्चों, एंगल थ्री के। सिमिलरली अगर आप यहां पर ध्यान से चेक करेंगे बच्चों, तो जिस तरीके से एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल थ्री के, सेम उसी तरीके से अगर आप देखोगे तो ए डी पैरेलल बी सी के, चेक कर लो, ये देखिए ये ए डी इस तरीके से आ रही है स्टूडेंट्स, ठीक, और इस तरीके से यहां पे देखिए बी सी आ रही है, ए डी पैरेलल टू बी सी। ओके, अब बी को डी से ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ठीक, और अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो यहां पर एंगल टू मिलेगा आपको और यहां पर एंगल फोर मिलेगा, सो दिस एंगल टू इज इक्वल्स टू व्हाट, एंगल फोर, एंगल टू इज इक्वल्स टू एंगल फोर, ये भी क्या है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्यों, ए डी इज पैरेलल टू बी सी और बी डी इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है बच्चों कि ये जो एंगल वन है ये किसके इक्वल है, ये एंगल थ्री के इक्वल है, ठीक, और इसी तरीके से एंगल टू किसके इक्वल है, एंगल टू इक्वल है, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, एंगल टू इक्वल है किसके बच्चों, एंगल फोर के, ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स देखा आपने, एंगल वन थ्री के इक्वल है और एंगल टू आपका एंगल फोर के इक्वल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब आप देखो जरा ध्यान से, ये दोनों जो ट्राइंगल है कौन से, ट्राइंगल ए बी डी, ठीक, देखिए इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी को देखो और सी डी बी को देखो, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी, पहले तो आप देख लो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है, कैसे सर, देखो ये एंगल वन किसके इक्वल है, एंगल थ्री के, तो एक एक तो एंगल इक्वल है, उसके बाद ये वाली जो साइड है बी डी किसके इक्वल है, डी बी के, चेक कर लो, बी डी जो है वो ऊपर वाले ट्राइंगल ए बी डी में भी आ रहा है और बी डी जो है वो नीचे वाले ट्राइंगल सी डी बी में भी आ रहा है, करेक्ट, यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी बी हो जाएगा, तो एंगल वन थ्री के इक्वल हो गया, बी डी डी बी के इक्वल हो गया, और सिमिलरली एंगल टू किसके इक्वल हो गया, एंगल फोर के, या एंगल फोर किसके इक्वल हो गया, एंगल टू के, तो एंगल साइड एंगल, देख रहे हो टू एंगल्स मिल रहे हैं, उसके बीच में इंक्लूडेड साइड मिल रही, तो एंगल साइड एंगल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक, और जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे तो सीपीसीटी लग जाएगी, ठीक, तो साइड ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, साइड डी सी के, तो ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, सिमिलरली ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, सी बी के, करेक्ट बच्चों, तो इस तरीके से। ओके स्टूडेंट्स, सो प्रूफ आपको नहीं करना है, शायद कुछ टीचर्स इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो मैं आपको पढ़ा दे रहा हूं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा किस तरीके से करेंगे, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी डी बी में, अब चेक करो, ए बी डी में एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू, ट्राइंगल सी डी बी में देखिए, सी डी बी में एंगल सी डी बी के इक्वल है, एंगल सी डी बी के इक्वल है, अब देखो
ट्राइंगल ए बी डी में साइड बी डी ट्राइंगल ए बी डी में साइड बी डी और ट्राइंगल सी डी बी में साइड डी बी के इक्वल है। ठीक, चेक कर लो। ओके बच्चों, बी डी इज इक्वल टू डी बी है, चेक कर लो। ऊपर वाले ट्राइंगल में इसका नाम बी डी और नीचे वाले ट्राइंगल में इसका नाम डी बी। उसका रीजन है क्योंकि देखो यहां पे बी पे वन है और यहां नीचे वाले ट्राइंगल में थ्री पे सॉरी एंगल वन पे यहां पे वर्टेक्स बी है और यहां पर एंगल थ्री पे वर्टेक्स डी है, इसलिए बी की पोजीशन कौन लेगा? डी। अब इतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, उसके लिए आप कॉन्ग्रेंसी वाला चैप्टर क्लास सेवन्थ का फॉलो कर सकते हैं, ठीक है? या जिसको डिटेल में पढ़ना हमारा नाइन्थ क्लास का कॉन्ग्रेंट वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ सकते हैं, ठीक है? मैं भी क्या बातें कर रहा हूं यहां वीडियो में बच्चों, जस्ट मैं इसको आपको दिखा रहा हूं किस तरीके से कॉन्ग्रेंट होता है, ठीक है? आई एम सॉरी अगर वीडियो लेंदी हो रहा है तो आप स्किप कर दो इसको, कोई बात नहीं है, बस आप ये समझो कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है? फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट है ये वाला जो एंगल है, मींस एंगल ए डी बी। ओके, सो एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू व्हाट? एंगल सी बी डी, ये भी हमने आपको दिखाया था, इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। तो बाय बाय एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। कौन कौन से ट्राइंगल? ए बी डी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी डी बी। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से, सीपीसीटी का मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, बाय सीपीसीटी दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। अब चेक कर लो बच्चों, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है? सी डी है, चेक कर सकते हो यहां से, ए बी सी डी। सो बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा आपका? ए बी का जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगा? सी डी के। सो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया। सिमिलरली चेक कर लो, ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका? सी बी। सो ए डी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सी बी, ठीक है? ये तो इस तरीके से हमने आपको दिखा दिया कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ए बी सी डी के इक्वल है और ए डी सी बी के इक्वल है, करेक्ट स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स का जो लेंथ होता है वो इक्वल होता है। एक चीज और मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है? देखिए, अभी आपने इन दोनों ट्राइंगल में सीपीसीटी लगाया, दोनों को कॉन्ग्रेंट कर दिया, तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल वन सॉरी एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एंगल सी। इस बात का भी ध्यान रखना, मतलब ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी अभी हम आपको पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, बस मैं आपको फील करा रहा था कि भाई अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए तो सीपीसीटी से एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। एंगल ए किसके इक्वल होगा? एंगल सी के। एंड सिमिलरली अगर हमारा फिगर ऐसा इन्होंने दिया था ए बी सी डी, है ना, और अगर हम ए सी डायगनल ड्रॉ करेंगे तो हम ये ऊपर वाला ट्राइंगल ए बी सी और नीचे वाला ट्राइंगल सी डी ए इनको कॉन्ग्रेंट करेंगे तो सी पी सी टी से एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल डी के। सो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। आपको इतना टेंशन नहीं लेना है क्लास एट्थ में, ये सब हम नाइन्थ क्लास में दोबारा करेंगे। आपको बस सिंपल याद रखना है, किसी पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड तो इक्वल होते ही होते हैं, यानी कि ए बी की लेंथ सी डी के इक्वल होगी, ए डी की लेंथ सी बी के इक्वल होगी या बी सी के इक्वल होगी, ठीक? ऑपोजिट साइड्स के लेंथ तो इक्वल होते हैं, साथ में ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक, और एंगल बी आपका बच्चों एंगल डी के इक्वल होगा, ठीक है? इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ठीक है? अब इसको हमें प्रूफ नहीं करना है, देखिए इसको हम प्रूफ नहीं करेंगे, इसका प्रूफ का हिंट मैं आपको इससे पहले वाली प्रॉपर्टी में दे चुका हूं, ठीक है? तो लेट अस से, ये देखिए आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, तो इसमें जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे उनका मेजरमेंट आपस में इक्वल होगा, बस सिंपल। जैसे कि ये एंगल ए, तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल सी का जो मेजर है वो एंगल सी के इक्वल होगा। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये देखिए एम ऑफ एंगल ए, मतलब मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू एम ऑफ एंगल सी, ठीक? मेजर ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल सी। सिमिलरली यहां पे देखिए, इस तरीके से देखिए, यहां पे मैंने सिंगल आर्क लगाया है, सिंगल, और यहां पे भी सिंगल आर्क लगाया है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है, और यहां पे देखिए मैंने डबल आर्क लगाया और यहां पे डबल आर्क लगाया, यानी कि ये दोनों ऑपोजिट एंगल इक्वल हैं, ठीक? यानी कि मेजर ऑफ एंगल बी इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एंगल डी। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब मान लीजिए यहीं पे आपको एक क्वेश्चन उसने छोटा सा दे दिया, कुछ इस तरीके से, मान लो उसने आपको दे दिया क्वेश्चन कि भाई 100 डिग्री है ये वाला एंगल, एंगल बी, तो बताओ एंगल डी कितना होगा? ऑब्वियसली जितना एंगल बी है उतना ही एंगल डी हो जाएगा, ठीक? तो एंगल डी भी 100 हो जाएगा, बस खत्म। इस तरीके से क्वेश्चन हमें करने हैं। अब एंगल सी बच्चों, उसने आपको 80 डिग्री दे दिया,
करेक्ट। तो एंगल सी जितना होगा उतना ही एंगल ए होगा, यानी कि एंगल ए भी कितना होगा 80 डिग्री, बस फिनिश। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जो वो जो न्यू प्रॉपर्टी है, कॉपी में नोट लगाएं, द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। अब इस बात का क्या मतलब है, इसको एग्जांपल से समझते हैं, ध्यान से चेक करिए बच्चों। द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री, मतलब समझो ये ए है, ठीक, ये बी है, यहां पर बच्चों ये सी है, और यहां पर ये डी है। ठीक, तो एडजेसेंट एंगल जो होंगे किसी पैरेललोग्राम में वो सप्लीमेंट्री होंगे। सप्लीमेंट्री मतलब एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री कैसे एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल, ऐसे टू एंगल्स जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अब ध्यान दें, ये पैरेललोग्राम है, इसमें एडजेसेंट एंगल कौन सा है? क्या आप एडजेसेंट एंगल की डेफिनेशन भूल चुके हो? एडजेसेंट एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं जो एक ही साइड के एंड पॉइंट्स पे आते हैं। कोई एक साइड सेलेक्ट कर लो, ठीक, मान लीजिए आपने ए बी सेलेक्ट कर लिया। अब ए बी के एंड कौन कौन से हैं? ए बी के एंड हैं बी और ए, तो साइड ए बी के एंड्स पे जो एंगल होंगे उसको हम एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। तो ए बी के एंड पे कौन कौन है, ए है, और दूसरा एंगल कौन सा है, बी है। बस एंगल ए और एंगल बी एडजेसेंट एंगल होंगे, ठीक है, और एडजेसेंट एंगल का जो सम होगा वो 180 होगा, यानी कि एंगल ए और प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180। पहले तो आप इसको याद कर लो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, मान लीजिए मैंने बी सी सेलेक्ट किया, ठीक, तो साइड बी सी के एंड कौन कौन से हैं, बी और सी, ठीक, यानी कि एडजेसेंट एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, एंगल सी और एंगल बी, ठीक। तो इस तरीके से एडजेसेंट एंगल हो गए एंगल बी और एंगल सी, तो एंगल बी और एंगल सी का भी सम कितना हो जाएगा, 180। सिमिलरली अगर मैंने साइड सी डी सेलेक्ट किया, ठीक है, साइड सी डी सेलेक्ट किया, तो सी डी साइड के एंड्स कौन कौन से हैं, सी और डी, यानी कि एंगल सी और एंगल डी का जो सम होगा, एंगल सी और एंगल डी का जो सम होगा वो भी 180 होगा। 180 का मतलब सप्लीमेंट्री, ठीक। अब अगर मैंने बच्चों साइड ए डी सेलेक्ट किया, तो एंगल ए और एंगल डी का जो सम होगा, एंगल ए और एंगल डी का जो सम होगा, क्योंकि एंगल ए और एंगल डी एडजेसेंट एंगल है ना, कौन सी साइड पे, ए डी साइड पे, ठीक, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस अब यही प्रॉपर्टी यहां पर लिखी हुई है, बच्चों पढ़ लीजिए। कह रहा है कि द एडजेसेंट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम, किसी पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, सप्लीमेंट्री, मतलब उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री। ओके बच्चों, पहले इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं, डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम के बारे में ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, और इससे रिलेटेड एग्जांपल नंबर 6 को भी हम यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाएंगे पेज नंबर 50 पे। तो बच्चों प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले कॉपी में नोट डाउन करें, द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये शॉर्ट में लिखा है, पैरेललोग्राम जिनको नहीं पता है ऐसे लिखते हैं, टू पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे और जीएम लिख देंगे, ठीक है बच्चों, ये पैरेललोग्राम लिखने का शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट मेथड है, ठीक है। तो चलिए, कह रहा है कि द डायगनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट each other at the point of intersection, ठीक है, मतलब जो diagonals होंगे parallelogram के वो एक दूसरे को bisect करते हैं। बच्चों समझो जरा, bisect करने का मतलब है two equal parts में divide करते हैं, bisect करने का मतलब है two equal parts में divide करते हैं, बस इतनी सी बात है, ठीक। आइए हम आपको दिखाते हैं example से, यहाँ पर मान लीजिए कि बच्चों आपके पास कोई इस तरीके से एक parallelogram है, let us say A B C D। अब देखिए इसका proof नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि इसका प्रूफ हम 9th क्लास में करेंगे, तो मैं इसका प्रूफ नहीं करा रहा हूँ आपको, ओके, बस आपको डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी लर्न करनी है। ये देखिए, ये ए सी डायगनल है और ये आपका बी डी डायगनल है, ठीक है स्टूडेंट्स, डायगनल ए सी और डायगनल बी डी पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे, करेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान से चेक करो बच्चों, ये जो डायगनल है ए सी और बी डी, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब ये दोनों एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब समझो, देखो मतलब जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को ओपे इंटरसेक्ट किया, तो ओ ए की जितनी लेंथ है ना उतनी ही ओ सी की लेंथ हो जाएगी। ये देखिए ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी, मैं लिख दे रहा हूं, ओ से लेके ए तक ये ओ ए का लेंथ ओ सी के इक्वल हो जाएगा, ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी। सिमिलरली ओ बी इज इक्वल्स टू, ये वाला ओ है, ठीक, ओ बी की जो लेंथ है वो किसके इक्वल हो जाएगी, ओ डी के, सो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, सो ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी। ये प्रॉपर्टी बच्चों पैरेललोग्राम की, ठीक है ना। अब और अच्छे से भी आपको ये वाले एग्जांपल से समझ में आएगा, बट फिर भी मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। मान लो बच्चों OA की लेंथ कितनी है, OA की लेंथ है मान लो बेटा 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4, तो पता है OC की भी लेंथ कितनी हो जाएगी 4, और टोटल AC कितना हो जाएगा 4 + 4, AC की लेंथ हो जाएगी 8, ये पूरा AC कितना हो जाएगा 8। मान लो कि BO की लेंथ कितनी है 5 है, ठीक है बच्चे, तो OD की लेंथ भी कितनी हो जाएगी 5, और इस तरीके से पूरा जो BD है B से लेकर D तक, BD डायगनल कितना हो जाएगा
फाइव प्लस फाइव टेन, आप देख सकते हो AC कितना हो जाएगा यहाँ पे, फोर प्लस फोर यानी कि एट, और पूरा BD कितना हो जाएगा, BD इज इक्वल्स टू फाइव प्लस फाइव यानी कि हो जाएगा टेन। ठीक है, ये बात है। अब सुनो, अब इसी में थोड़ा सा हम आपको और फील कराते हैं। मान लीजिए बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें ABCD, ठीक है, ये डायगनल AC है, ठीक, और ये डायगनल BD है, और दोनों पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो उसने आपसे बोला कि AC की लेंथ कितनी है, 8 है, पूरी AC की लेंथ, ये AC की लेंथ 8 है, और उसने पूछा फाइंड OC, तो बताओ OC की लेंथ कितनी होगी। तो बेटा चेक करो, ये AC जितना होगा उसका हाफ हो जाएगा OC, चेक करो ना, O किसका मिड पॉइंट है, AC का, क्योंकि भाई OA का लेंथ और OC का लेंथ इक्वल है, तो O मिड पॉइंट हो जाएगा AC का, यानी कि जितना AC उसका हाफ कर दो तो आपको OC मिल जाएगा। AC पूरा कितना है, 8 है, ये पूरा कितना है, 8 है, तो इसका हाफ करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, तो OC कितना हो जाएगा, 4। आई थिंक आप समझ गए होगे, ठीक, और जितना OC होगा उतना ही OA होगा, यानी कि OA भी 4 हो जाएगा, समझ गए होगे। इसी तरीके से मान लो BD 12 दिया हुआ है, कितना, ये पूरा BD 12 दिया है, कितना दिया है, BD यहाँ पर 12 दिया हुआ है। ओके बच्चों, तो उसने पूछा कि भाई OB की लेंथ बताओ, क्या बताओ, OB की लेंथ बताओ, तो ये O से B तक कितना हो जाएगा, B से D तक पूरा 12 है, तो O से B तक 12 का हाफ, यानी कि हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, किसको, 12 को, हाफ का मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक, 2 × 2 = 6, ठीक, 6 × 1 = 6, तो OB की लेंथ कितनी हो गई, 6 हो गई। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।